ठीक हुआ। तो अब देखिए, लेट ए मेजरमेंट, लेट ए मेजरमेंट इज एम एंड द एरर इज डेल्टा ए। अब हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट किया था, मेजरमेंट इज एम एंड द एरर इन मेजरमेंट इज डेल्टा एम। सो अगर इस मेजरमेंट को एक्सप्रेस करें तो मेजरमेंट कैन बी एक्सप्रेस बाय, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए। देखिए एम क्या हो गया, दैट इज अ मेजरमेंट एंड डेल्टा एम इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, और अनसर्टेनिटी यूज कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली प्लस एंड माइनस साइन को यूज करेंगे। अब एरर अगर फाइंड आउट करना हो, जैसे फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट, फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट दैट इज रिटन एज डेल्टा एम बाय एम, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर। अब इस मेजरमेंट में अगर जैसे कहा जाए मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट इक्वल टू, दैट इज रिटन एज डेल्टा एम बाय एम इनटू। तो ये मेथड हो गया टू ऑब्टेन द परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर इन एनी मेजरमेंट, कि कोई भी आपने मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट में अगर आपको फ्रैक्शनल एरर चाहिए या परसेंटेज एरर चाहिए तो आप इस मेथड से दोनों एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हम अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, एग्जाम्पल द लेंथ और विड्थ ऑफ ए रोड इज 20 मीटर मेजर बाय स्केल ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। पहला काम आप लोग अपना अपना साउंड माइक म्यूट करिए तब आवाज जाएगी ना, काफी लोगों को माइक ऑन है। प्लीज आप लोग माइक म्यूट करिए, जैसे वीवो 8020 माइक म्यूट करिए बेटा सब लोग, तो आवाज क्लियर जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इसी पे बेसिस कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। विड्थ ऑफ ए रोड इज 20 मीटर मेजर्ड बाय एंड लेंथ इज 1 मीटर लॉन्ग ऑफ द स्केल, मतलब जो स्केल आप यूज कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 1 मीटर लॉन्ग, इट्स मीन दैट इज एरर। सो दैट इज रिटन एज लाइक विड्थ ऑन बी से रिप्रेजेंट करेंगे, बी 20 मीटर एंड एरर इन डेल्टा बी इज 1 मीटर। नाउ परसेंटेज एरर यहाँ पे कह सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एयर, और फॉर्मूला क्या था, दैट इज डेल्टा ए एम, डेल्टा ए एम की जगह विड्थ यूज कर रहे हैं डेल्टा बी बाय बी इनटू 100, दैट इज 1/20 इनटू 100, दैट इज रिटन एज 5%। देयर इज 5% एरर इन मेजरमेंट ऑफ विड्थ ऑफ रोड, कि रोड को मेजर करने में कितने परसेंट का एरर प्रोड्यूस होगा, दैट इज 5%। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एरर्स।
हम कैलकुलेट करें एरर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। जैसे हम बेसिकली नंबर्स को ऐड करते हैं, नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं और नंबर्स को डिवाइड करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम प्रॉपर्टीज देखी जाए इन द एरर, मतलब एडिशन ऑफ एरर देखा जाए, सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर डिस्कस किया जाए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर डिस्कस करें, देन आफ्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिवाइडेशन ऑफ एरर और डिवाइड ऑफ एरर्स। तो लेट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ एरर्स। Next is properties of errors. The first property we can use for any that is addition of errors. अब ये एडिशन क्या है? Let equanimity capital Z is obtained from addition of two quantities A and B. Let equanimity Z is obtained from addition of two other qualities quantities A and B, that Z is written as A plus B, that is equation number one. अब देखिए जब हम लोग A and B का measure करेंगे तो A और B का measurement जो होगा इसी operator से होगा और ऑपरेटर से होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर ऑपरेट होगा। क्यों? अगर हम किसी का मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स देन देयर इज एरर इन ए एंड बी। लेट द एरर इन ए एंड बी इज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। अगर ए में एरर डेल्टा ए है, ए कैन बी एक्सप्रेस बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में एरर डेल्टा बी है तो बी कैन बी एक्सप्रेस बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देयरफॉर अब चूंकि आप मेजरमेंट किसका कर रहे हो? जेड का, और जेड ऑपरेट हो रहा है कहां? ए प्लस बी से, और ए में एरर है, बी में एरर है, तो ऑब्वियसली जेड में एरर होगा। Let the error in Z, let error in Z is delta Z. तो अब Z के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? Z plus minus delta Z. तो अब इन सारी वैल्यूज को फिर से इक्वेशन वन में शिफ्ट करो। अगेन ये वैल्यूज को आप इक्वेशन वन में शिफ्ट करो तो जेड के प्लेस में आप इन इक्वेशन वन क्या लिख सकते हो? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए के प्लेस पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी के प्लेस पे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो क्लियर है और अदरवाइज नॉट? देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? अबाउट द एडिशन ऑफ एरर्स। अब एडिशन ऑफ एरर्स में हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसी क्वालिटी है दैट इज जेड which is obtained from the addition of A and B. तो अगर Z obtained हो रहा है from the addition of A and B, then Z is written as A plus B. एक equation आपने develop कर लिया, Z is equal to A plus B. अब देखिए होता क्या है, practical की जैसे बात करिए, तो आप किसी का measurement करोगे, suppose करो A का measurement करोगे, B का measurement करोगे, तभी Z obtained होगा। अब A का measurement करोगे तो किसी operators की help से obtained करोगे, और ऑपरेटर्स में लीस्ट काउंट की प्रॉपर्टी होती है, देयरफॉर ए एरर प्रोड्यूस इन ए सच दैट वी हैव कंसीडर्ड दैट लेट एरर इन ए इज डेल्टा ए एंड बी इज डेल्टा बी।
कि जब हमने ए का मेजरमेंट किया तो उसमें एरर डेल्टा ए आया, बी का मेजरमेंट किया तो उसमें एरर डेल्टा बी आया। तो अब देखो जेड किससे मिल रहा है, ए और बी से। तो अगर ए एंड बी में एरर है तो ऑब्वियसली जेड में एरर होगा। उस एरर को हमने क्या कंसिडर किया, डेल्टा जेड। अब हमें इसी डेल्टा जेड के लिए फार्मूला बनाना है, तो हम क्या करें, इसी जेड ए बी की वैल्यू प्लेस कर दें इन इक्वेशन वन। हमारा वर्क है कि हम इसी ए बी की वैल्यू प्लेस कर दें इन इक्वेशन वन। तो हमने इक्वेशन वन में प्लेस किया, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जेड प्लस माइनस डेल्टा ए जेड, अब ए प्लस बी को एक साथ रख लो, टुगेदर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। फ्रॉम इक्वेशन वन a plus b is written as z, then from equation 1 z plus minus delta z equal to z plus minus delta a plus minus delta b. Look, z and z cancel. Plus minus delta z equal to plus minus delta a and plus minus delta b. अब देखो हम लोग यूज क्या करते हैं यहाँ पे, अनसर्टेनिटी। अगर एरर यूज कर रहे हैं या एरर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एरर क्या होता है, दैट इज अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी मींस द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम जितने भी यहां की क्वांटिटीज हैं, वी आर टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटिटी। नाउ टेकिंग द Absolute value of all quantity, और absolute value यूज करो तो plus minus delta z inside the mod equal to plus minus delta a in the mod, और बीच में plus sign again plus minus delta b। अब डेल्टा z अगर plus minus से बाहर रखो, मॉड से आउट करो तो ओनली डेल्टा, और इधर भी मॉड से आउट करो एब्सोल्यूट वैल्यू में साइन हट गया, जो अनसर्टेनिटी हुई वो गायब हो गई, एंड प्लस डेल्टा बी, दैट इज एरर इन जेड। फार्मूला फॉर एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड। अब फाइंड आउट करें द मैक्सिमम पॉसिबल एरर और मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड। नाउ नाउ मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन जेड। तो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट्स डेल्टा जेड बाय जेड इनटू 100। एट द प्लेस ऑफ डेल्टा जेड वी हैव टू यूज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एट द प्लेस ऑफ जेड वी कैन यूज ए प्लस बी विद मॉड इनटू 100। ये फॉर्मूला हो गया एडिशन में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए। हमने ऑब्टेन कर लिया एक फार्मूला, क्या फार्मूला बना, दैट डेल्टा जेड बाय डेल्टा जेड बाय जेड की वैल्यू आई डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए बी इनटू 100। ओके, अब इसी पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करें कि कैसे न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे इस प्रॉपर्टीज पे। तो सपोज दैट आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया, क्यों सब लोगों ने पढ़ाया। तो देखिए एक एग्जांपल यहीं पे बनाएं, टू रेजिस्टेंस वन इज 10 प्लस माइनस 0.3 ओम एंड
15 ± 0.2 ohm are connected in series. In series. Then find out. Maximum possible percentage error in measurement of equivalent resistance of circuit. इस सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेजर करने में कितने परसेंट का पॉसिबल एरर प्रोड्यूस होगा, उस एरर को हमें ऑब्टेंड करना है। तो अब देखिए, पहली चीज आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एडिशन ऑफ एरर के लिए फार्मूला क्या होगा, या सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट हम यूज करेंगे क्या, R1 ± δr। देखिए R1 ± δr कितनी वैल्यू गिवन है, 10 ± 0.3 ohm, और R2 ± δr2 दैट इज गिवन एज 15 ± 0.2 ohm। ओके, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज की बात करें तो सीरीज में होता है R = R1 + R2, तो ये क्या हो गया, दैट इज एडिशन। तो अब ये R की वैल्यू 10 + 15 25 ohm. Now find out delta R. According to addition of error, delta R के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, delta R1 + delta R2, और delta R1 कितना है, that is 0.3 equal to 0.3 plus 0.2 that is 0.5 ohm. okay, अब देखिए इसके बाद आप मेजरमेंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, R ± δr, जो हमने मेजरमेंट किया उसको एक्सप्रेस करने का मेथड यही हो गया। अब क्या लिखेंगे, R की वैल्यू 25 ± 0.5 ohm, हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फॉर्मूला बना, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और अभी फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, दैट्स डेल्टा आर बाई आर इन टू 100। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, आप टेंड करिए आपने 0.5, आर की वैल्यू आप टेंड करिए 25 × 100, दैट इज रिटेड एज 50/25, दैट्स इक्वल टू 2%। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर ऑब्टेन होगा, दैट इज इक्वल टू 2%। इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ, कोई बोला नो सर, अभी कोई बोला नो सर, तो क्या प्रॉब्लम है वो बताए, जो बोल रहा है नो सर कि समझ नहीं आया, वो बोले क्या प्रॉब्लम है उसको, तो बोलो, क्वेश्चन क्लियर है कि दो रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है और उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना एरर प्रोड्यूस करेगा उस एरर को हमें कैलकुलेट करना है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू नो दैट वेरी वेल आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज एडिशन ऑफ एरर, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है तो क्या आया, एडिशन ऑफ एरर। सबको क्लियर है? क्यों? चलिए एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, जरा करके दिखाइए, सब लोग करके आंसर बताइए, कॉपी पे लिखिए सब लोग। लेंथ ऑफ टू वायर्स, लेंथ ऑफ टू वायर्स डैश 75 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 125 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर देन फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन टोटल लेंथ ऑफ द वायर। इवलूट करिए सब लोग, देखिए L1 प्लस माइनस डेल्टा L, ये आपका L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। अगर टोटल लेंथ लीजिए तो L1 प्लस L2 75 प्लस 125 डैश इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। अब इक्विवेलेंट लेंथ निकालिए चेंज के लिए, मींस डेल्टा L अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ एरर, टोटल की बात कर रहे हैं, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 डैश 0.1 प्लस 0.4 दैट इज 0.5। नाउ मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन टोटल लेंथ दैट इज डेल्टा L बाई L इंटू 100। डेल्टा L आपका क्या है, 0.5, L कितना है 200 इंटू 100, तो दैट इज रिटन एज 50/200, है ना। तो ये क्या है आपका, दैट 0.5/2 और 0.25%। क्लियर है, सबका आया या नहीं? सबको क्लियर है ना, या किसी को कोई डाउट है एडिशन ऑफ एरर्स के लिए? बोलो यार, बोलते क्यों नहीं आप? चलो इसके बाद में बात करते हैं नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स। नंबर सेकंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स, अगेन सेम फिलॉसफी एज लाइक एडिशन ऑफ एरर्स। लेट अस कंसीडर दैट टू क्वांटिटी, ए क्वांटिटी कैपिटल जेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडिशन ऑफ टू सॉरी Let us consider that a quantity capital Z is obtained from subtraction of two other quantities A and B. Let a quantity Z obtained from subtraction of two other quantities A and B. So Z is equal to A minus B. That is equation number 1. Now, अब हम आप फिर से वही philosophy यूज करो, आपने A और B का measurement करना है तो किसी operator से करोगे,
और किसी ऑपरेटर्स को यूज करोगे तो उसमें एरर आया। बोले एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज डेल्टा ए, ए इज रिटन एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी इज डेल्टा बी, देन बी इज रिटन एज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देयर इज एरर इन ए एंड एरर इन बी, और चेक किससे ऑपरेट हो रहा है, ए एंड बी से। अगर ए और बी में एरर है ऑब्वियसली जेड में भी एरर होगा ना, तो जेड में एरर है तो हम जेड के एरर को सपोज करें डेल्टा जेड, तो जेड इज रिटन एज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। नाउ इन तीनों वैल्यूज को फिर से इक्वेशन वन में शिफ्ट करो, दैट्स जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए विद माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये z प्लस माइनस डेल्टा z a प्लस माइनस डेल्टा a, अब माइनस का मल्टीपल होगा इन साइड, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस b, और देखो इस माइनस का मल्टीपल दोनों में होगा प्लस एंड माइनस। तो देखो करके देखो, पहले माइनस का मल्टीपल प्लस में करोगे तो माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, और फिर माइनस का मल्टीपल माइनस में करोगे तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। ओवरऑल आप चाहे जैसे मल्टीपल करो आपको केवल प्लस माइनस ही ऑपरेंड होगा ना, अदरवाइज तो कोई साइन ऑपरेंड होगा नहीं। क्यों सुन रहे हो, आप माइनस प्लस प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस में करो तो आप जितनी भी बार करोगे केवल प्लस माइनस ही ऑपरेंड होगा ना। और यहाँ पे प्लस माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दैट इज अनसर्टेनिटी। तो आप चाहे प्लस पहले रखो चाहे माइनस को बाद में, देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि हमें केवल रिप्रेजेंट प्लस माइनस क्या कर रहा है अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी में चाहे प्लस पहले यूज करो चाहे माइनस बाद में या वाइस वर्सा, इसका अपोजिट। तो यहाँ पे देखो हम वही यूज करते हैं प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि इसके अलावा कोई हमें अनसर्टेनिटी, प्लस माइनस का मतलब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी में साइन को बिफोर या आफ्टर करने पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके तो लुक दैट, अब इसे सिंप्लीफाई करो तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए माइनस बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ए माइनस बी इज रिटन एज जेड, सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। एट द प्लेस ऑफ ए माइनस बी वी कैन यूज जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड से जेड क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो देखिए प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगेन वही चीज ऑपरेट हुआ जो एडिशन में ऑपरेट हुआ, अभी एडिशन में भी हम लोगों ने किया था ना, और एडिशन में भी देखा कि वही चीजें ऑपरेट हुई जो यहाँ पे ऑपरेट हो रही है सब्सट्रैक्शन में। तो हेंस इट्स क्लियर दैट एरर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोथ आर सेम, एडिशन का एरर हो या सब्सट्रैक्शन का एरर हो दोनों कैसा होता है सेम होता है। अब देखिए टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि हमें साइन को रिप्लेस करना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा जेड विद मॉड प्लस माइनस डेल्टा ए विद मॉड, एंड कुछ साइन नहीं है तो हम मैक्सिमम की बात हमेशा करते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कब होता है जब आपके पास केवल और केवल आपको ऐड करना हो तो मैक्सिमम ऑपरेट होता है, इसलिए हम बीच में साइन क्या रखेंगे हमेशा प्लस का, दैट्स प्लस माइनस डेल्टा बी। तो दैट इज डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा।
हेडिंग एरर्स ऑफ द सबट्रैक्शन। अब यही पे आपको ऑब्टेन करना हो कि द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड। यहां पे ऑब्टेन करना हो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन जेड, तो फार्मूला क्या बना, डेल्टा जेड बाई जेड इनटू 100। अब डेल्टा जेड के प्लेस पे क्या है आपका, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एट द प्लेस ऑफ जेड वी कैन यूज ए माइनस बी इनटू। ये मेथड हो गया टू ऑब्टेन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स। ओके, अब इसके